मैं जब ये सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट किया कि भाई एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आज हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, तो बड़े जो है ना वो सीरियस भी बहुत इंटरेस्टिंग भी लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई आपने एडीसी साहब से ये पूछना है। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि जनरली हम इनको देखें तो ये बड़े कह के लगा रहे होते हैं, मदे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके ऑफिस में एंटर होते हैं तो मोस्टली कुछ तो डीसी साहबान तो साहिल को देखते भी नहीं हैं और वो नीचे ही मुँह करते हुए कहते हैं जी जी बताएं, और दो दो जुमलों में, दो अल्फाज में वो आपको खुद कहते हैं कि जी थैंक यू। तो ये जो अनकर्टियस एटीट्यूड है, इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं? बिकॉज मेरे से जब लोग बात करते हैं ना कि यार क्या शशके हैं, क्या मज़े हैं, ये मज़े की ज़िंदगी जीते हैं, गाड़ी है, ब्लू लाइट है, घर है, गार्ड है, तो यकीन मानो कि मेरा चूंकि एक्सपोजर है तो मैं कहता हूँ कि यार इन लोगों को क्या पता कि कितनी टफ़ लाइफ है। मतलब मैंने देखा है कि आपकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और फिर वर्कलोड इतना है कि एवरी टाइम यू आर बिजी। लेकिन जो दिख रहा होता है वो एक ब्राइट साइड है, लेकिन इसके जो कॉन्स हैं, इसकी जो डार्क साइड है, उसको कोई भी नहीं देखता। तो ये आप बताओ कि आप अपनी फैमिली को वो जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है उसको मेंटेन कर पाते हैं, या भाभी हमारी यही कहती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते? ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं यूटीशिप से बताऊंगा, मेरी यूटीशिप खुशाब में थी। पहले मैं पता चला कि अंडर ट्रेनिंग, हमें पता चला कि आपने जो फील्ड में अटैचमेंट होनी है ना वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है। वी वर वेरी हैप्पी, और मेरी तो नई नई शादी हुई थी अभी, ठीक है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि चलें 3 मंथ्स अपने डिस्ट्रिक्ट में ही हम गुजारेंगे। लेकिन एट द 11th और मतलब कुछ लोगों ने सिफारिशें बड़ी तगड़ी तगड़ी करवाई, तो जो सेक्रेटरी थी वो उन्होंने कहा कि इनको सेट कर लेते हैं, अभी सर्विस का आगाज है और इनके काम ये हैं, ठीक है। और उससे पहले यासिर मैंने बताया मैं लेक्चरर था, ठीक है। लेक्चरर का मतलब है कि आपने 2-3-4 लेक्चर देने हैं और फिर आपको कोई यूनिवर्सिटी से कॉल नहीं आने वापस। वेरी ट्रू। मतलब इट्स वेरी रेयर कि कोई पेपर रह गया हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई एक एक्टिविटी नहीं आ गई, वंस इन अ ब्लू मून कभी कोई कॉल आ जाए। अदरवाइज आप फ्री हैं, आप फैमिली के साथ हैं, आप दोस्तों के साथ हैं, घूमें फिरें, कोई आपको कॉल आने वाली नहीं है। जो सिविल सर्विस है ना, ये सर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। बल्कि मेरे एक बैचमेट कहते हैं ये एक लाइफ स्टाइल है, ठीक है सर। तो वो लाइफस्टाइल, मतलब वो शुरू में मैं इतना डिस्टर्ब हुआ, मैंने कहा यार किस मुसीबत में फंस गए हम, ना कोई आवर्स हैं हमारे, कोई आवर्स नहीं है ड्यूटी के, फ्रेंकली स्पीकिंग। अल्लाह ना करे कोई लॉ एंड ऑर्डर का या और कोई इशू किसी तरह का बन जाता है तो वी आर ऑन ड्यूटी, ठीक है। अभी वो सिचुएशन रूम है ना जो उधर सारे ऑफिसर्स इकट्ठे हो जाएंगे, कंट्रोल रूम्स सॉर्ट ऑफ इस तरह का है, तो वो इस तरह का कोई एक इवेंट नहीं है। बहुत सारी मरतबा, मतलब बींग ए सी, बींग असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, बहुत सारी मरतबा ऐसा हुआ है कि हमें ऑड आवर्स में, मतलब मुझे एक मरतबा याद है एक प्रॉब्लम के अंदर हम रात 2-2.5 बजे तक भी ऑफिस में रहे हैं, कमिश्नर साहब भी, ठीक है, बाकी ऑफिसर्स भी। तो वो ये बेसिकली एक स्टाइल है, ठीक है। शुरू में मैं भी बड़ा डिस्टर्ब था कि किधर हम फंस गए, लेकिन स्लोली स्टडीली ना आप यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका वो ट्यूनिंग इस तरह की हो जाती है कि आप रेडी होते हैं कि यार 11 बजे भी कॉल आई, और ये इस तरह नहीं है कि आप कहेंगे मेरा मोबाइल बंद था, ठीक है। वो इस तरह की केयरलेसनेस और नॉन सीरियसनेस सिविल सर्विसेज में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो आप 24 आवर ड्यूटी में हैं, आप घर भी गए हुए हैं, तो कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम डिनर करने लगे और मुझे कॉल आ गई, कोई ऐसा इशू बना तो मुझे जाना पड़ा, ठीक है। तो ये बात ठीक कह रहे हैं आप, आपकी फैमिली थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज होती है, ठीक है, लेकिन ये स्लो आहिस्ता आहिस्ता ना फिर आपके उसमें आ जाता है, ठीक है। आप उसको रूटीन लेते हैं कि ठीक है, और फैमिली भी अंडरस्टैंड करती है, ठीक है, उन्हें भी पता है कि कोई इशू बना है। हर रोज़ ऐसा नहीं होगा, मे बी मंथ में एक मरतबा, दो मरतबा, ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी आवर्स नहीं है, ये कन्फर्म है।